प्रणाम सत साहेब। दो सैमुअल का है, दाऊद का स्तुति गान, अध्याय 22 की आयत नंबर 3 से लेकर के आगे तक है। इसमें परमेश्वर की महिमा का वर्णन इन्होंने अपने शब्दों में किया है। 51 तक है। मेरा परमेश्वर चट्टान रूपी है, यानी मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है जिसका मैं शरणागत हूँ, अर्थात दाऊद परमेश्वर की शरणागत थे। मैं यहोवा को जो स्तुति के योग्य है पुकारूंगा, यानी दिल से, जो ईश्वर के प्रति पुकार होती है वह दिल से होती है, यानी उसके दिल से सम्मान करूंगा और ध्यान योग के द्वारा उसको पुकारूंगा। जो मुझे अपने शत्रुओं से, यानी जो मुझे मेरे शत्रुओं से बचाएगा। फिर आगे कहा है, इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया है, यानी जब हम पाक साख होंगे, हम ईमान वाले होंगे, अच्छे विचार वाले होंगे, पंचशील युक्त होंगे, अच्छे सद्गुणों से युक्त होंगे, संयम क्षमा संतोष विवेक और विनम्रता के साथ में आचरण करेंगे, तब उस यानी तब के लिए कहा, इसलिए यहोवा ने मुझे मेरे धर्म के अनुसार बदला दिया है। यानी जो जैसे कार्य करता है परमेश्वर ईश्वर अल्लाह, उसको उसी के अनुसार उनका फल देता है, मेरी उस शुद्धता के अनुसार जिसे वह देखता था। यानी जो भी आप कार्य करते हैं शुद्ध तरीके से, पवित्र होकर के, धार्मिक रूप से, तो उसको वह देखता है और उसका बदला आपको मिलेगा। और जो गलत कार्य करते हैं, अधार्मिकता पर हैं, हिंसा करते हैं, व्यभिचार करते हैं, तो उनको उसका बदला वह उसी तरह से मिलेगा। वह दयावंत के साथ दया करता है और खरे पुरुष के साथ तू अपने को खरा दिखता दिखाता है। शुद्ध के साथ तू अपने को शुद्ध दिखाता है और टेढ़े के साथ तू तिरछा बनता है। यानी जो अशुद्ध व्यक्ति होते हैं, पवित्र व्यक्ति होते हैं, अच्छे विचारों वाले व्यक्ति होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, संत प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, तो उनका मार्ग वह आसान कर देता है और शुद्ध के साथ में शुद्धता दिखाता है। और जो टेढ़े व्यक्ति होते हैं, जो अधार्मिक होते हैं, उनका रास्ता वह कठिन कर देता है। भले ही उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब इसका परिणाम उनको मिलेगा, जो धर्म यानी बदला जो देगा कर्म के अनुसार, वहाँ पर वह उन टेढ़ों के साथ में टेढ़ा व्यवहार किया जाएगा और जो शुद्ध होंगे उनके साथ में शुद्धता का व्यवहार किया जाएगा। तो दीन लोगों को तो तू बचाता है, जो दीन लोग हैं, धर्मी लोग हैं, उनको तो तू बचा लेता है किसी न किसी बहाने से, परंतु जो अभिमानियों पर दृष्टि करके उन्हें नीचा करता है, लेकिन जो घमंडी है, अहंकारी है, उन्हें जो है बाद में उन पर कुदृष्टि करके उनको नीचा एक ना एक दिन अपने आप को दिखाना पड़ता है, या वह महसूस करते हैं। फिर आगे भी कहा है, ईश्वर की गति खरी है, यानी न्याय वाली गति है, वहाँ पर कोई भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं हो सकता। यहोवा का वचन ताया हुआ है, वह अपने सब शरणागतों की ढाल है, यानी जो उससे परमेश्वर सच्चे मन से जो परमेश्वर की शरण हो जाते हैं ध्यान योग करके, निष्काम भावना में आकर के, तो वह उन्हें किसी न किसी बहाने से बचा देता है, या कहें कि एक तरह से उनकी रक्षा कर लेता है या ढाल बन कर के खड़ा हो जाता है। यहोवा को छोड़ क्या कोई ईश्वर है, यानी यहोवा परमेश्वर या अल्लाह ईश्वर भगवान के अलावा दूसरा कोई उसके योग्य या उसकी तुलना में है नहीं, वह एक है और उसके जैसा दूसरा इस संसार में कोई नहीं। इसलिए श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि सभी को छोड़ करके केवल ईश्वर की शरणागत होना चाहिए। वह खरे मनुष्य को अपने मार्ग में लिए चलता है, जो खरा मनुष्य है, पवित्र मन वाला है, ईमान वाला है, उसको वह मार्ग दिखा देता है ध्यान योग करके। और कुछ
कुरान शरीफ में भी आता है, जो ईमान वाले होंगे उन्हें वह अपने तक जाने का रास्ता दिखा देगा। तो जो पवित्र विचार वाले व्यक्ति होंगे, जो खरे मनुष्य होंगे, उनको ही केवल यह रास्ता मिलता है, अन्यथा नहीं। संतों ने भी कहा है कि जब ईश्वर की कृपा होती है तभी सद्गुरु मिलन होता है, यानी सूरत और शब्द का योग वहाँ पर होता है, आत्मा और परमात्मा का मिलन वहाँ पर होता है। तेरी नम्रता मुझे बढ़ाती है, आगे भी कहा, फिर तूने मुझे प्रजा के झगड़ों से छुड़ाकर अन्य जातियों का प्रधान होने के लिए मेरी रक्षा की। आगे भी कहा है, परदेशी मेरी चापलूसी करेंगे, वे मेरा नाम सुनते ही मेरे वश में आएंगे, परदेशी मुरझाएंगे, यानी जो दूसरे लोग हैं जो इस ओर आना चाहते हैं, धर्म के मार्ग पर आना चाहते हैं, वह मुझे सुनेंगे और परमेश्वर आपकी शरण में हो जाएंगे। धन्य है मेरा पलटा लेने वाला ईश्वर, यानी एक बार फिर से दाऊद जो है जो पलटा लेने वाला है, यानी जो इनके जो विरोधी थे उनको हराने वाला है, उनके उस परमेश्वर के लिए धन्यवाद बोल रहे हैं कि धन्यवाद परमेश्वर जो मेरा पलटा लेने वाला है, जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देगा, यानी जो विभिन्न जातियों में बटा समुदाय है, जो विभिन्न देशों में अलग अलग धर्म प्रचलित है, लेकिन वह यह सच्चाई को अपनाएंगे और वह सब दाऊद के अनुयायी हो जाएंगे। ठीक इसी तरह से आजकल जो कल के अवतार जी भी आने वाले हैं उनके लिए भी परमेश्वर ऐसा ही करने वाले हैं, क्योंकि जो देश देश में विभिन्न या जो समाज या मनुष्य समाज जातियों में बटा है, विभिन्न धर्मों में बटा है, उन सबको कल के अवतार जी की ओर आने में सहायता परमेश्वर के द्वारा ही मिलेगी। जो देश देश के लोगों को मेरे वश में कर देगा, यानी मेरे वश का मतलब है कि जो मेरे विचार हैं वह दूसरे जातियों के लोग, दूसरे धर्म के लोग इन विचारों को अपनाएंगे। फिर आगे कहा, इस कारण है यहोवा मैं जाति जाति के सामने तेरा धन्यवाद करूँगा, यानी सभी जातियों के व्यक्तियों के लिए, सभी धर्मों के व्यक्तियों के लिए के सामने जो है परमेश्वर ईश्वर अल्लाह भगवान का जो है बारंबार धन्यवाद करेंगे कि मुझे उसने इस योग्य बनाया और मुझे जो है सच्चा ईमान वाला व्यक्ति बनाया, पवित्र मन वाला व्यक्ति बनाया। ठीक इसी तरह से कल के अवतार जी भी जाति जाति के लोगों के सामने ईश्वर का धन्यवाद करेंगे कि धन्य है वह ईश्वर परमेश्वर जिसने मुझे इस कार्य के लिए चुना है, क्योंकि कल के अवतार जी को सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों के लोग, सभी देशों के लोग उनके विचारों को अपनाएंगे और मानेंगे। और तेरे नाम का भजन गाऊंगा, यानी परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा। अब भजन कैसे गाना है, वह शब्द धुन के द्वारा भजन संत प्रवृत्ति के व्यक्ति गाते हैं, और तेरे नाम का यानी नाम जप के द्वारा ही यह शब्द धुन प्रकट होता है, जिसे विभिन्न धर्मों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो वह कह रहे कि मैं तेरे ही नाम का भजन गाऊंगा या तेरे नाम की ही महिमा का गुणगान सभी व्यक्तियों से, चाहे वह किसी भी जाति से हो, समाज से हो, देश से हो, धर्म से हो, उनके द्वारा तेरे ही नाम की महिमा का गुणगान करवाऊंगा। तो आइए और बढ़े हम इस पवित्र मन के द्वारा परमेश्वर ईश्वर की शरणागत होएं। सतनाम सत्साई।